गुड मॉर्निंग क्लास 8, दिस इज़ द नेक्स्ट वीडियो ऑफ चैप्टर 4 एग्रीकल्चर ऑफ ज्योग्राफी। सो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट जो टॉपिक है ये, इसको ध्यान से देखते हैं। एग्रीकल्चर डेवलपमेंट होता क्या है? इट रेफर्स टू एफर्ट्स मेड टू इंक्रीज फार्म प्रोडक्शन इन ऑर्डर टू मीट द ग्रोइंग डिमांड ऑफ इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। आप सभी को पता है कि हमारी जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा दिन पर दिन इंक्रीज़ होती जा रही है, और इतनी पॉपुलेशन की जो नीड्स है उनको पूरा करने के लिए हमें बहुत सारे प्रोडक्शन की ज़रूरत है। फार्म प्रोडक्शन मीन्स आपकी जो फसलें हैं, आपके जो भी डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, और आपकी जितनी भी सीरियल्स हैं, पल्सीज हैं, ये सभी फसलें, ठीक है। सो इन सबको हम किस तरीके से बढ़ा सकते हैं, एग्रीकल्चर की डेवलपमेंट जो है वो किस तरीके से की जा सकती है। सो यहाँ पर क्या किया जा सकता है, इसको कैसे अचीव किया जा सकता है? इट कैन बी अचीव्ड इन मैनी वेज। इसके लिए हम क्या क्या तरीके यूज़ कर सकते हैं? सच एज इंक्रीजिंग द क्रॉप एरिया, यानी कि जितने एरिया में खेती की जा सकती है वो एरिया बढ़ाया जाना चाहिए। नंबर ऑफ क्रॉप्स बढ़ाई जानी चाहिए, यानी कि कितनी खेती, जैसे पहले अगर आप 10 फसलें उगाते थे तो अगर आप 15 फसलें उगाते हैं तो थोड़ा बहुत प्रोडक्शन में भी आपका फ़र्क पड़ेगा। इरीगेशन फैसिलिटीज़ इंप्रूव होनी चाहिए, साथ में जो फर्टिलाइजर्स, जो आपकी खाद वगैरह है, जो मैन्योर यूज़ की जाती है, बहुत अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए। एंड हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स, और आपको जो बीज यूज़ किए जाते हैं बहुत ही ज़्यादा अच्छी वैरायटी के, अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए, कि जितने अच्छे बीज होंगे उतनी ज़्यादा अच्छी प्रोडक्शन भी हो पाएगी। आफ्टर देन मैकेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर इज ऑल्सो अनदर एस्पेक्ट ऑफ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। आफ्टर दैट क्या, आपका जो टेक्निक्स यहाँ पर यूज़ की, जो मैकेनिज्म यहाँ पर यूज़ किया जाता है एग्रीकल्चर के लिए, उन टेक्निक्स का बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है आपका एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के ऊपर। सो मेन एम है कि एग्रीकल्चर डेवलपमेंट का, इट इज़ टू इंक्रीज फूड सिक्योरिटी, कि हमारा जो खाना है वो सिक्योर होके रहे हमारे पास, और साथ में क्या है, जो क्वालिटी है फूड की वो बढ़ती रहे, घटनी नहीं चाहिए। एग्रीकल्चर हैज़ डेवलप्ड एट डिफरेंट प्लेसेस इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, कि पूरे वर्ल्ड में अलग अलग प्लेसेस पर इसके अलग अलग जो डिफरेंट पार्ट्स हैं उन सभी में अलग अलग प्लेसेस पर ही अच्छे से डेवलप किया गया है। कैसे भी आपकी देखो ना, डेवलप्ड कंट्रीज़ जो हैं वो कैसी कैसी आपका टेक्निक्स यूज़ करते हैं, जैसे ज़्यादातर वो क्या करते हैं, लेबर इंटेंसिव टेक्निक का यूज़ करते हैं, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग लग जाते हैं वहाँ पर काम करने के लिए। और सबसे बड़ी बात क्या है, दे ग्रो क्रॉप्स ऑन स्मॉल होल्डिंग्स मोस्टली फॉर सब्सिस्टेंस। सब्सिस्टेंस का मतलब होता है बेटा, जब हम प्रोडक्शन करते हैं सिर्फ और सिर्फ अपने लिए, यानी कि हम जो भी खेतीबाड़ी कर रहे हैं, जो भी हम उगा रहे हैं, वो सब सिर्फ और सिर्फ अपने और अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए ही उगा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं, और वो उनके पास ज़्यादातर जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है, जो पिछड़ी हुई कंट्रीज़ है, जो अभी डेवलप हो रही हैं, उन कंट्रीज़ के लोगों के पास ज़्यादा बड़ी बड़ी ज़मीनें नहीं हैं, स्मॉल होल्डिंग्स ही हैं, उन पर ही वो खेती करते हैं। और लार्जर होल्डिंग्स किसके पास है, ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी बड़ी ज़मीनें किनके पास है, जो आपके यूएसए में है, कनाडा में है, ऑस्ट्रेलिया में, जो फॉरेनर्स हैं जो वो खेती करते हैं, उनके पास बहुत बड़ी बड़ी लार्ज होल्डिंग्स होती हैं। और जब हमारे पास लार्ज होल्डिंग्स होती हैं तो हम कमर्शियल एग्रीकल्चर की तरफ ज़्यादा ध्यान देते हैं, कैसे कि भाई बहुत ज़्यादा एकड़ के करीब हमारे पास ज़मीन है तो हम क्या करेंगे, खेतीबाड़ी जो भी हम करेंगे वो बाहर बेचने के लिए ही करेंगे मार्केट में। लेकिन जब हमारे पास स्मॉल लैंड होल्डिंग्स है तो हम क्या करेंगे भाई, अपने परिवार का तो पेट पाल लें, फिर कुछ बेचने के बारे में सोचेंगे। तो यहाँ पर अब आगे जो टॉपिक्स हमें गिवन है, या फार्म इन इंडिया एंड अ फार्म इन यूएसए, तो यहाँ पर क्या है, एक इंडिया का फार्म और एक यूएसए के फार्म में क्या क्या चेंजेस हैं उसके बारे में बात करने जा रहे हैं। सो देखिए, यहाँ पर फार्म इन इंडिया में, एक इंडिया के फार्म में, इंडिया के खेत में क्या हो रहा है उसके बारे में एक स्टोरी छोटी सी आपको गिवन है, कि एक स्मॉल विलेज है आपका गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट में, उत्तर प्रदेश में, जिसका नाम है आदिलाबाद। तो मुन्ना लाल यहाँ का एक छोटा सा फार्मर है जो इस गांव में रहता है, और उसके पास 1.5 हेक्टेयर के करीब उसके पास लैंड है, और उसका जो घर है वो मेन विलेज के अंदर है। और वो क्या करता है, बहुत अच्छे वैरायटी के सीड्स को वो परचेज़ करता है मार्केट से, ठीक है। और उसकी जो लैंड है इट इज़ फर्टाइल एंड ही ग्रोज़ एटलीस्ट 2 क्रॉप्स इन अ ईयर, ठीक है, जैसे वीट है, राइस है, मतलब पल्सीज हैं, वो कम से कम 2, ज़्यादा से ज़्यादा हो सकती हैं, लेकिन कम से कम एटलीस्ट वो 2 फसलों का तो वो उत्पादन करता ही करता है, ठीक है। और अच्छी वैरायटी की सीड्स का यूज़ करते हैं, क्योंकि जब बीज अच्छे होंगे तभी हमारा प्रोडक्शन अच्छा हो पाएगा। तो फार्मर क्या करता है, वो सभी अपने फ्रेंड्स से एडवाइस लेता है, गवर्नमेंट की एज वेल एज गवर्नमेंट जो एग्रीकल्चर ऑफिसर्स हैं उनसे भी एडवाइस लेता रहता है कि ऐसे क्या उपाय करने चाहिए कि हमारा प्रोडक्शन जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ता रहे। तो उसने क्या किया है, ही टेक अ ट्रैक्टर ऑन रेंट फॉर प्लॉइंग द फील्ड। वो क्या कर रहे हैं, अब ट्रैक्टर भी वो रेंट पर ले रहा है ताकि अपने खेतों को वो जोत सके। आफ्टर दैट क्या कर रहे हैं आगे, और उसके कुछ फ्रेंड्स जो हैं, दो सम ऑफ हिज फ्रेंड्स, अभी कुछ उसके फ्रेंड्स जो ट्रेडिशनल मेथड्स को ही यूज़ कर रहे हैं, जैसे बुलॉक्स हैं ये सब यूज़ कर रहे हैं, बैल वगैरह का यूज़ कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, उसके पास क्या है, ट्यूबवेल फैसिलिटी भी है, उसने रेंट पर यानी कि रेंट पर लेकर वो इरीगेशन फैसिलिटीज़ भी ले रहा है, लेकिन वो कर रहा है, ठीक है। और फिर मुन्ना लाल क्या करते हैं, मुन्ना लाल ऑल्सो हैज़ 2 बफेलोज एंड 2 हैंज़, उसके पास 2 भैंसे भी हैं, 2 मुर्गियाँ भी हैं,
और वो दूध का उत्पादन भी करता है और कोऑपरेटिव स्टोर में जाकर उस दूध को बेचता भी है। कोऑपरेटिव सोसाइटी का वो एक मेंबर भी है। विच ऑल्सो एडवाइजेज हिम ऑन द टाइप ऑफ फॉडर फॉर हिज एनिमल्स। वो उसको एडवाइस भी देते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी वाले कि किस किस तरीके से आप अपने जो जानवर आप पालते हैं किस किस तरीके से आप उनको अच्छे से पालन कर सकते हैं ताकि उनकी हेल्थ का भी ध्यान रखा जा सके। देखो ना, जब गाय भैंसों का और मुर्गियों का इन सब का ध्यान रखेंगे अच्छे से, ये लाइफ स्टॉक आपका इन्हीं को बोलते हैं, गाय भैंसे और आपके जो गधे घोड़े जो भी हम पाल लेते हैं उन्हें, सो यहाँ पर क्या है उनको किस तरीके से अच्छे से उनको हेल्दी रखा जा सकता है वो सब यहाँ पर आ जाता है। ऑल द मेम्बर्स ऑफ द फैमिली हेल्प हिम इन वेरियस फार्म एक्टिविटीज़। उसके जो फैमिली के जो सभी मेम्बर्स हैं वो उसके सभी सारी हेल्प करते हैं कि किस किस तरीके से फार्म एक्टिविटीज़ करी जानी चाहिए। और कुछ बार वो समटाइम्स उसको क्या करना पड़ता है, बैंक से उसको लोन लेने पड़ते हैं, क्रेडिट उसको लेने पड़ते हैं, उधार पर वो अपना काम करते हैं ताकि उसको या फिर क्या कर सकते हैं, जो कोऑपरेटिव सोसाइटी का जिसका वो मेंबर है उससे भी वो कई कई बार उधार ले लेते हैं कि मुझे अच्छे बीज जो की ज़रूरत है या फिर कुछ और काम करने हैं, इंप्रूवमेंट करनी है इन सब के लिए। ही सेल्स इज प्रोड्यूस इन द मंडी लोकेटेड इन द न्यू बाई टाउन। अब वो क्या करते हैं, जब सारा उत्पादन आ जाता है उसके बाद जब सारा प्रोडक्शन आ जाता है तो वो सारे प्रोडक्शन को वो पास में जाकर गाँव में बेच देता है, शहरों में जाकर वो बेच देता है। तो यहाँ पर क्या है, मेजॉरिटी ऑफ द फार्मर्स डू नॉट हैव लैक स्टोरेज फैसिलिटीज़। क्योंकि सभी फार्मर्स के पास स्टोरेज फैसिलिटीज़ ज़्यादा नहीं होती है और कुछ के पास होती है, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें अपना जो भी वो प्रोडक्शन करते हैं वो उन्हें जल्दी से जल्दी बेचना पड़ता है कि कहीं उनका जो प्रोडक्शन है जो उनका उत्पादन है वो ख़राब ना हो जाए। तो इनके लिए क्या है, और मार्केट जो है उन्हें सही से रेट भी नहीं देती है। इन द रिसेंट ईयर्स गवर्नमेंट हैज़ टेकन सम स्टेप्स टू डेवलप स्टोरेज फैसिलिटीज़। अब इन्होंने क्या किया कि गवर्नमेंट ने, अब आजकल गवर्नमेंट ने क्या कर दिया कि आपकी बहुत ऐसी स्टोरेज फैसिलिटीज़ इनको प्रोवाइड कराई गई हैं ताकि इनका जो प्रोडक्शन है वो ये टाइम आने पर अपना अच्छे से इनके रेट जो है वो ले सकें। ठीक है, सही है था आपका टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस किया जाएगा बेटी।